उज्जैन जिले के शासकीय स्कूलों में इस समय चल रही है परीक्षाएं, जहां पर छात्र छात्राएं दे रहे हैं एग्जाम। वहीं अन्य स्कूल में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए हुई व्यवस्था, पास के ही स्कूल में जाकर दे सकते हैं एग्जाम। उज्जैन जिले के अंदर शासकीय स्कूल में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के इस समय एग्जाम पेपर चल रहे हैं और बच्चे स्कूलों के अंदर पेपर एग्जाम दे रहे हैं और इन बच्चों को इस समय परीक्षाएं देते हुए देखा जा सकता है। सभी स्कूलों के अंदर कोविड के मद्देनजर दूरी बनाकर बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं। वहीं राज्य सरकार के निर्देशन के बाद अन्य स्कूल में दूर रहकर पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए शासन ने व्यवस्था की है कि वह पत्र के माध्यम से लिखित वरिष्ठ अधिकारियों को बताए और वह लिखा हुआ प्रमाणिक लेकर आए और साथ ही में पास ही के शासकीय स्कूल में पेपर परीक्षा दे सकते हैं। ऐसी व्यवस्था भी इस बार शिक्षा विभाग ने की है ताकि दूर जाकर बच्चों को पेपर न देना पड़े, परीक्षाएं न देना पड़े। किस प्रकार से अभी कौन सी क्लास के एग्ज़ाम चल रही हैं, किस प्रकार से तैयारियां थीं और किस प्रकार से बच्चे पेपर दे रहे हैं, एग्ज़ाम परीक्षा दे रहे हैं? सर, ये अपनी जो एग्ज़ाम चल रही है ये कोविड के नियमों का पालन करते हुए ले रहे हैं अपन पूरी एग्ज़ाम, और प्रत्येक बेंच पे एक ही बच्चे को बिठाया है। दूसरा, इनको दो पारी में एग्ज़ाम हो रही है, ये सुबह 9वीं और 11वीं की हो रही है और दोपहर में हो रही है 10वीं और 12वीं की परीक्षा। और अपने क्षेत्र अंतर्गत जितने भी हाई स्कूल हैं, जैसे बमनापाती 3 हाई स्कूल आते हैं हमारे, उसमें वहाँ पर भी इसी प्रकार से हम कोविड के नियमों का पालन कर रहे हैं। और दोपहर की जो पारी है वो है 12:30 से 3:30 और सुबह है 9 से 12। तो सभी उज्जैन जिले के अंदर सभी स्कूलों में इसमें परीक्षाएं चल रही हैं? बिल्कुल, परीक्षा चल रही है उज्जैन जिले में। और इसमें ने एक नया काम ये करा है कि जैसे जो बच्चा नियरेस्ट है, जैसे अपने यहाँ पे 3 बच्चे जो हैं दशहरा मैदान की परीक्षा दे रहे हैं, 2 बच्चे ज्ञानोदय इंदौर की परीक्षा दे रहे हैं। उन्होंने क्या करा है कि ये सरकार ने बहुत अच्छा करा है कि जो बच्चा जिस गाँव का है उसी संस्था में आके परीक्षा दे सकता है। उसके लिए बच्चे को एक प्रमाणीकरण लाना पड़ता है और प्रमाणीकरण वो अपने यहाँ जमा करा देता है तो हम उसके पेपर और कॉपी यहाँ से अरेंज कर देते हैं। और इसके पश्चात, परीक्षा के पश्चात, ये कॉपी और पेपर हम उस जो उसकी संबंधित शाला है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।